سلک مسلک ہو دعا دعوته الى يوم الدين اما بعد فاوصيكم واياي اول ان تقوى الله distinguished leaders my dear brothers who participated in this auspicious occasion from several parts of Bengal especially from Kerala who are related to Darul Huda Islamic University located in Malappuram district Kerala Darul Huda is working in the field of education since 31 years since 1986 after few years of its commence it mind that the activities and the movements of Muslims in out of Kerala in North India in East India in several states because Darul Huda wants the Muslims are in backward in education culture finance and all levels so firstly Darul Huda began its off campus in Andhra Pradesh which is located in Telangana in these days and after that Darul Huda went to West Bengal or this in this place in supervision of our doctor beloved Dr. Mungir Sahib and his friends and trust members Sakina trust members after that Darul Huda established another off campus in Assam state in Borpata district Baisa village and now recently before some few months Darul Huda started its off campus in Karnataka middle Karnataka in Haveri district so we are asking for your helps in all activities of Darul Huda in especially in all places and especially in West Bengal I think most of the audience will understand Urdu rather than English so I want to speak some words in Urdu also because it is the local language of Muslim community in India mataram bhaiyo aur bahano we Darul Huda ka West Bengal of campus mein this new hum shirkat kar rahe hain idhar main Birbhum mein Darul Huda ka off campus Birbhum mein 4-5 saal pehle hum shuru kiya tha is jagah mein in wo building mein abhi alhamdulillah हम अल्लाह ताला का शुक्र अता करता है बड़ा फरमाता है अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाया ये बिल्डिंग बनाने के लिए शानदार उस बिल्डिंग बनाने के लिए अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाया जब हम शुरू किया था इधर दारुल हुदा का शाख ऑफ कैंपस सिंस चार पाँच साल इधर बहुत बच्चे पढ़ते हैं दीनी और दुनियावी तालीमत दोनों साथ साथ देते हैं ये करते हैं दारुल हुदा जहाँ जहाँ मरंजस है केरला में तकरीबन चौथा शाख है और केरला के बाहर भी बंगाल में और असम में कर्नाटका में महाराष्ट्र में बॉम्बे में उधर सब लड़कों को दीनी दुनियावी तालीमत दोनों साथ साथ देते हैं दुनियावी तालीमत मतलब मटेरियल एजुकेशन साइंस सोशल साइंसेस इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी मैथमेटिक्स एंड आईटी एजुकेशन आल्सो कंप्यूटर में भी हम देते हैं लड़कों को और दीनी तालीमत मतलब कुरान हदीस फिक्र अकीदा ये सब जहाँ जहाँ हमारे मदरसों में दारुल उलूम में देते हैं वो भी इधर हम दारुल हुदा में दारुल हुदा के शाखों में देते ये अहम बात ये भी है ये सब मुफ्त में है तकरीबन 5000 से ऊपर लड़कों दारुल हुदा में पढ़ते हैं दारुल हुदा और दारुल हुदा के शाखों में
5,000-6,000 लड़कों पढ़ते हैं। केरला में मेन कैंपस में 1,400 लड़के पढ़ते हैं, 400-500 में बीच में। ये सब लोगों को दीनी दुनियावी तालीमात, आईटी एजुकेशन सब देते हैं, सब मुफ्त है। खाना पीना रहना तालीम सब मुफ्त है। और जहाँ जहाँ शाखों में केरला शाखों है केरला में और बाहर में हर जगहों में ऐसा मुफ्त तालीम देते हैं। सब लड़कों उधर रहना ज़रूरी है। लड़कियों को दारुल हुदा में केरला में एक शाख है, फातिमा जहरा इस्लामिक वीमेंस कॉलेज, उधर भी ऐसा है। उधर औरतों पढ़ाती हैं, औरतों काम करती है, उधर सिर्फ सेपरेटेड वीमेंस कैंपस है। इंशाअल्लाह इधर भी जहाँ जहाँ दारुल हुदा का शाख हम शुरू करते हैं उधर भी इंशाअल्लाह औरतों को, हमारा लड़कियों को भी इंशाअल्लाह शुरू करने का इरादा है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। क्यों दारुल हुदा ये काम करते हैं? ये बहुत भारी काम है। एक लड़कों को माहाना 3,000 के ऊपर रुपया खर्चा आता है। एक लड़के को माहाना एक महीने में 3,000 से ऊपर रुपया खर्चा करते हैं दारुल हुदा। तकरीबन टोटल ऐसा है, उधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है। और बिल्डिंग बनाना और सारी बंदोबस्तों करना वो अलग है खर्चा। क्यों दारुल हुदा ये करता है ये आप लोग सोचना है। इधर बहुत 3,500 किलोमीटर दूर है केरला इधर से, या दारुल हुदा चम्माड़ इधर से 3,500 किलोमीटर दूर है। इतना दूर सफर करके दारुल हुदा इधर आके ये क्यों बनाते हैं? कोई केरला वाला इधर नहीं पढ़ते हैं। आसाम में कोई, आसाम कैंपस में कोई केरला वाला नहीं पढ़ते हैं। या केरला वालों को पढ़ाने के लिए ये शाखों नहीं बनाते हैं, फिर क्यों? हजरत लोग इधर फरमाया तालीम एजुकेशन 1400 साल पहले हमारे हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमानों को फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम, इसमें औरतों भी शामिल हैं। मुस्लिम मतलब कौन इस्लाम में जिंदा करते हैं वो, मैन या विमेन। वो पहला कुरान आयत में अल्लाह ताला सिखाया इकरा बिस्म रब्बिक, इकरा बिस्म रब्बिक, पढ़ना पढ़ाना इस्लाम का जिंदा है। अल इल्म हयातुल इस्लाम, अल इल्म हयातुल इस्लाम। इस्लाम का जिंदा इल्म है। तो जो आदमी को इल्म है उसको इस्लाम जिंदा होता है। जिनको तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, उसको इस्लाम नहीं जिंदा करता है, जिंदा होता है। सिर्फ नाम है, मोहम्मद है, अहमद है, इदरीस है, हारून है, मूसा है, इब्राहिम है, बस नाम है। या गुलाम फलान है, गुलाम नबी आसाद है, या गुलाम मुहिद्दीन है, या गुलाम दस्तूर है, ऐसा है बस। उसको इस्लाम को कोई जिंदा नहीं होते हैं। अल इल्म हयातुल इस्लाम, जिनको इल्म है, कुछ जानते हैं क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना, उसके बारे में जिनको इल्म है उसको इस्लाम जिंदा होता है। इसलिए दारुल हुदा में सोचा, ये फील्ड में, ये मैदान में सोचा दारुल हुदा, ये ईस्ट में, नॉर्थ में बहुत बहुत करोड़ों मुसलमान हैं जिनको शहादत कलिमा नहीं जानते हैं, अच्छी तरह नहीं जानते हैं, फातिहा सूरत नहीं जानते हैं, नमाज पढ़ने को नहीं जानते हैं। इन लोगों को वो सिखाना बिल्कुल ज़रूरी है। अंबिया मुसलमान इसके लिए आया है। आदम नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया लड़कों को, बच्चों को।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिखाया, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग ऐसा किया। लोगों को नेक रास्ता क्या है वो सिखाया, वो सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए वो लोग तशरीफ लाया। हम भी वैसा करना जरूरी है। क्यों? हम वो लोगों को रास्ता में हैं। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ورسله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سب أنبياء سب مرسلين نیک راستے میں چلا تھا ہم بھی ویسا چلنا ہے وہ لوگ کیا سکھایا ہم بھی وہ سکھانا ہے وہ لوگ کیا دکھایا لوگوں کو ہم بھی وہ دکھانا ضروری ہے ایسا ہے مسلمان इसलिए दारुल हुदा ये बहुत भारी काम करते हैं। इधर 160 लड़के पढ़ते हैं, खाना पीना रहना सहना सब मुफ्त है, जैसे मैंने बताया। आसाम में भी ऐसा है, वैसा विलेज में ऐसा बहुत बड़ा इमारत है, बिल्डिंग है, उधर चलते हैं पढ़ाई, मकतबों भी चलाते हैं उधर दारुल हुदा के सुपरविजन में। ये वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, ये रेंज में तकरीबन 300 मकातिब चलते हैं अभी दारुल हुदा के सुपरविजन में। छोटे लड़कों को नमाज पढ़ाना, अलिफ़बा पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, फातिहा सूरत पढ़ाना, ये सेपरेट एक बहुत अहम शाख है दारुल हुदा। दारुल हुदा ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, जो लोग दारुल हुदा से फारिग हुआ वो लोग है, वो हादिया, उसका नाम हादिया है, हुदवी एसोसिएशन फॉर डिवोटेड इस्लामिक एक्टिविटीज, वो लोग इस ये मकतबों के बारे में सुपरवाइज करते हैं। 300-400 मकतबों चलते हैं जहाँ जहाँ मुसलमानों को लड़के तैयार है मस्जिद में आने के लिए, वो अलिफ़बा फातिहा सूरा और नमाज पढ़ने के लिए उन लोगों को पढ़ाते हैं, उस्ताद पढ़ाते हैं, उस्ताद को हम उधर से कुछ तनख्वाह भी देते हैं, लड़कों को किताबों, दर्सी किताबों मुफ्त देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? जो मुसलमान है, मुसलमानों को लड़के हैं, वो लोग इस्लाम के बारे में कुछ समझना बिल्कुल ज़रूरी है, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, कुरान पढ़ना ज़रूरी है। इस कामों में इस्लाम जिंदा है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर अभी सैयद हैदर अली शिहाब तंगल साहिब आज ये बिल्डिंग का इमारत शुरू इफ्तिताह किया है, और इंशाअल्लाह आइंदा महीनों में इंशाअल्लाह इधर एक शानदार मस्जिद भी बनाएंगे, उसके लिए भी सनबुनियाद फाउंडेशन स्टोर सैयद हैदर अली शिहाब तंगल ने रखा इधर। इंशाअल्लाह ये एक बड़े कैंपस हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैंने ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, इधर मेरे पीछे बहुत लोग बात करने के लिए है। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في مشروعنا هذا وفي مشاريعنا الموجودة في هذا الحرم التعليمي وآتنا السعادة في ذلك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في ناس نهت شاي